दोस्तों, 8 मार्च 2018 कल महिला दिवस है और मैं अरविंद गीते, संपादक दैनिक निराला राजस्थान, एक राइटर, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि देश की, संसार की, आपके परिवार की, रिश्तेदार, समाज की सभी महिलाओं का आप सम्मान करना सीखिए और आप उनके प्रति रेस्पेक्ट की भावना रखिए, उनका आत्मसम्मान कीजिए और उनके प्रति समर्पित भावना रखते हुए उनकी कोई भी समस्या हो आप हंसते हुए उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास कीजिए। और मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कल नृत्यांशी कला सोसाइटी की ओर से आइडियल बोमानिया नेशनल अवार्ड्स जवाहर कला केंद्र में सायं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मनाया जा रहा है, 8 मार्च 2018। कार्यक्रम के प्रेसिडेंट ब्रजकिशोर श्रीवास्तव, जो कि नृत्यांशी कला सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और प्रीति श्रीवास्तव, इनकी हसमुख वाइफ, पत्नी, जो इनका साथ हमेशा निभाती है और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। कल ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसकी चीफ गेस्ट महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा जी हैं और स्पेशल गेस्ट भारतीय जनता पार्टी महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा और गेस्ट और ऑनर प्रशांत गायकवाड़ जी हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि नृत्यांशी कला सोसाइटी की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में आप प्लीज आइए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। अरवाज खान साहब ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में जयपुर की, राजस्थान की, देश की जानी पहचानी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में जयपुर के प्रत्येक परिवार को, जो भी इस कार्यक्रम को देखना चाहे, उनका भव्य स्वागत है। रंजन सरदार, मनोज मारू, सीमा, दीपेंद्र, सोहन, स्वदेश, अनीता, रोशनी, हेमंत कौर और विकास जी इस कार्यक्रम के जो है, सबने मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से समर्पित किया है। मैं अरविंद गीते, संपादक दैनिक निराला राजस्थान, नृत्यांशी कला सोसाइटी के इस कार्यक्रम में आप सबको श्री ब्रजकिशोर श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी प्रीति श्रीवास्तव जी का दोस्त होने के नाते आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।